जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो चलिए, आप सभी लोग के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ सेना भर्ती रैली को लेके मैं आ चुका हूँ। 2021 में जितने भी भर्तियाँ रुकी थी या होने वाली है या कहाँ पर नहीं आई है, उसकी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपके दिमाग के जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जितने भी नए लड़के हैं वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगामी भर्तियों को आपको अपडेट मिलती रहे हमारे इस चैनल द्वारा, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन पेपर, फिजिकल, मेडिकल एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताया जाता है। और साथ ही साथ ट्यूटोरियल आर्मी, चाहे ओपन रैली, स्पोर्ट भर्ती, रिलीजन भर्ती की भी अपडेट दे दी जाती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में मैं आपको सबसे पहले गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये बता दूं, ये रुकी हुई भर्तियों में से एक भर्ती थी, और किन किन राज्यों में भर्ती चल रही है उस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। उड़ीसा में भर्ती चल रही थी, इसका लास्ट डेट हाल ही में बीतने वाला है। और साथ ही साथ आपकी महाराष्ट्र में अभी ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑनलाइन चल रहा है, मध्य प्रदेश के लड़के फॉर्म भर रहे हैं। और उसके बाद आपका एक और तेलंगाना का भी लास्ट डेट बीत गया है, ठीक है। और एक MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का लड़कियों का स्टार्ट हो चुका है, और लड़कों का ऑफिसर एंट्री में 10+2 की वैकेंसी स्टार्ट है, ठीक है, 10+2 की वैकेंसी स्टार्ट है टेस्ट 44 की, ठीक है। ये फिलहाल में इतनी वैकेंसी है तो इंडियन आर्मी के अंतर्गत चल रही हैं, और ये जो भर्ती है इन लड़कों के लिए उसकी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। हाँ, COVID-19 का रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो लेके जाना अनिवार्य है, नहीं तो रैली में निकाल दिया जाएगा। और आगामी उत्तर प्रदेश की क्या नोटिफिकेशन है वो भी बता दूंगा, और साथ में जो गुजरात से रिलेटिव है या बिहार से रिलेटिव है उनकी तरह एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं, उनकी भी मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो GD की रैली होने वाली थी, टेक्नीशियन की रैली होने वाली थी यहाँ की, ठीक है, जिसका संभावना जताया जा रहा था कि हो सके तो ये भर्ती कैंसिल हो गई है, लेकिन इस भर्ती को दोबारा इसका नोटिस आया है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने का डेट भी आ गया है, ठीक है। तो GD क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, रिलीजन, टीचर की ये जो वैकेंसी अप्लाई की गई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये हेडक्वार्टर है, ठीक है, जयपुर, और यहाँ की ये अप्लाई किया गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, सोल्जर, GD क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, 8th और 10th पास किया गया था, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हुआ था स्टार्ट, यहाँ पे 9 फरवरी 2021 को, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ था ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड की संभावना जताई जा रही है कि इनका जारी होने वाला है एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन हाल ही में अपडेट हुई है, ठीक है, हाल ही में इसकी नोटिफिकेशन अपडेट हुई है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की संभावना जताई, यहाँ तक आपने रैली के इस बारे में देख लिया होगा, यहाँ तक जैसे कि मैंने बताया आप लोग के, यहाँ पे 8 मार्च 2021 के 31 तक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसे नोटिफिकेशन को आराम से आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ का है, ठीक है, यहाँ की ये स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम भी सही से देख सकते हैं, रिलीजन, टीचर, धर्मी, 8th पास 10th पास ये जो आई थी या आ रही हैं, ठीक है, इसे अप्लाई कर लीजिएगा, अब तक नहीं किए हैं तो लास्ट डेट बीतने वाली है, ठीक है। और डी फार्मा, एस फार्मा की चल रही है, ये तो निकल चुके हैं, लेकिन एस फार्मा, डी फार्मा, इन सब की चल रही है, ठीक है। और आगामी भर्ती उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की हाल ही में जो संभावना जताई जा रही है कि 7 अगस्त में जाएगा चुनाव को ले देके, या 1 महीने के अंदर भी कोई नोटिस जारी हो सकती है, तो ऐसा कुछ होता है तो हम आपको गाइड कर देंगे। और कहीं जो ओपन रैली होने वाली थी अभी उसकी कन्फर्म नोटिफिकेशन नहीं आई है, कन्फर्म नोटिफिकेशन आते ही हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और फिलहाल में कोई स्पोर्ट भर्ती या म्यूजिशियन की भर्ती होने वाली थी, इसकी अपडेट एक आई थी, ठीक है, इसकी अपडेट चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। साथ ही में कोई जो रिलीजन भर्ती है इसकी अपडेट अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अपडेट थी मैंने आपको गाइड कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।